नमस्कार, मैं राहुल तिवारी, आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। और आज हम आए हैं करहगढ़ ब्लॉक में के थाना के बगल में जो कोचिंग है, सिग्मा कोचिंग जो है, यहाँ के जो लड़के हैं करहगढ़ भर में सबसे टॉप किए हैं, फर्स्ट स्थान सेकंड स्थान यहीं के लड़के लोग लाए हैं। और आइए हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार तिवारी। संजय सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग तो बहुत कुछ दिखाते हैं, मतलब करहगढ़ में जो रियल जो हीरो हैं वो आप माने जाएंगे, क्योंकि करहगढ़ ब्लॉक में लोगों का जो है सबसे अच्छा जो चीज़ होता है, जो अगर हमारा समाज जो है नीचे के छोटे बच्चों से ही आगे बढ़ता है, चाहे कोई भी हो। और आप जो हैं इस बार 12th में सबसे नंबर वन जो है फर्स्ट लड़का है, आपके ही कोचिंग से आया हुआ है, सेकंड भी आपकी ओर से आया है, आप इसके बारे में हम लोग कुछ बताइए। हमारी पूरी टीम बहुत ईमानदारी से मेहनत किया और इसका पूरा श्रेय मैं अपने ईश्वर तुल्य गुरु श्री एस पी तिवारी सर को देना चाहूँगा, जिनसे मुझे इस प्रकार का संस्कार मिला। हमने पढ़ाया और ईमानदारी से काम किया, बच्चे भी काफ़ी ईमानदारी से मेहनत किए, जिसका ये परिणाम है। और अच्छे बुक का हम लोगों ने सिलेक्शन किया, हम लोग NCERT के भरोसे नहीं बैठे, हम लोगों ने अच्छे बुक का सिलेक्शन किया, टेस्ट सीरीज लिया और बहुत कड़ाई से टेस्ट लिया, बहुत दूर दूर बैठा कर, माने उसमें कहीं चोरी की कोई संभावना नहीं थी। तो इसका नतीजा है नंबर तो और बेहतर आना चाहिए था, थोड़ा प्रैक्टिकल में नंबर कम मिला है। अच्छा, तो और अच्छा आया होता। तो जो आप बुक बता रहे हैं, तो कौन सा बुक सिलेक्शन? हम लोग फिजिक्स में एम करीम फॉलो करते हैं, ABC फॉलो करते हैं, और मैथ में लूसेंट का, और भी सारे बुक हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग किताब का स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हैं, पूरा मतलब जो टेस्ट बुक जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वो बुक दिखावा नहीं है कि मैं ये बुक पढ़ाता हूँ और ये दो चार एक दो माह पढ़ाए कुछ पढ़ाए और फिर बाकी अपना फिर दूसरा बुक स्टार्ट हो गया। जो आपके यहाँ पे हम लोग कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, कंपटीशन जी SSC? हाँ हाँ, निश्चित और निश्चित रूप से हम लोग मतलब की सफलता मिलेगी, निश्चित निश्चित। और 2013 से यहाँ शुरू हुआ है और मैंने अब तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस एक साल के अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग सिलेक्शन देना शुरू कर देंगे। सर से बात करने पे ये लग रहा है कि जैसे सर का बताना है यहाँ पे हम SSC जो भी जनरल तैयारी होता है गवर्नमेंट जॉब का, करहगढ़ में इंजीनियरिंग का जो BTEC लोग करते हैं, ये सब का तैयारी, मैंने IIT का, PMT का, ये सब चीज़ का, ठीक है। कोचिंग का हमें लगता है कि सर यहाँ पे IIT PMT का भी कोई चलाता नहीं है कोचिंग, ये लोग मेरे सहयोगी हैं लोग। अच्छा जी, क्या नाम है आप लोग का? मुकेश कुमार। आप क्या पढ़ाते हैं? बायो पढ़ाते हैं। आपका नाम? रविरंजन कुमार। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स। हाँ, 95 नंबर तक आया है फिजिक्स में। अच्छा, और कौन से बैच में सर हैं आप? कौन से इसमें? इसी बैच में। अच्छा, इसी में आप पढ़ाते हैं? हाँ जी। और सौभाग्य देखिए कि इसी कोचिंग से पढ़े हुए भी लोग हैं। अच्छा, यहीं से पढ़े हुए हैं आप ही के पास? 2017 से आप ही के स्टूडेंट भी? हाँ सर। और मुझे इस बार, और जो फर्स्ट रैंक आए हैं उनका नाम क्या है? शुभम कुमार है। आइए शुभम जी से बात किया जाए। नाम है आपका? धीरज कुमार। शुभम ये हैं, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। आपके पिताजी का क्या नाम है? सुनील कुमार। और आपका कितना नंबर आया है? 453 नंबर। परसेंटेज? 90.6%। तो इसका जो पूरा श्रेय है वो किसको देना चाह रहे हैं आप? मैं इसका इस सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता एवं अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगा, उन्हीं के बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो आगे का आपका जो है, जैसे कोई भी लड़का है स्टार्टिंग सीढ़ी जो है 10th होता है 12th होता है, आगे आप किस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, आगे क्या चीज़ में जाना चाह रहे हैं आप? मेरी इच्छा यही है कि मैं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूं, जितना मुझे संभव हो। तो उसके लिए आप कहाँ पे बेस्ट, कहाँ पे चुने हुए हैं, कहाँ पे जाके तैयारी करिएगा? अभी तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो दिक्कत होता है यहीं पर आकर थोड़ा करते हैं। अभी मतलब यहीं से आप सोचे हैं तैयारी करने के लिए। सेकेंड में कौन है आप हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु चौबे। पिताजी का नाम? श्री देवेंद्र चौबे। कहाँ घर है आपका? चौबे बवारा। आप किसको श्रेय देना चाह रहे हैं? अपने कोचिंग संस्था को और अपने माता पिता को। क्या नाम है कोचिंग का आपके? कोचिंग का नाम सिग्मा ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे आपको अच्छा पढ़ाई होता था? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, टेस्ट भी, रिजल्ट भी आप दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं।
इसका योगदान जो है मेन जो है गुरुजन को ही जाता है। हाँ, गुरुजन को ही जाता है।